जहां कल हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत और रूस मिलकर चीन को घेरने की फिराक में है। इसी के लिए भारत ने रूस को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आमंत्रित किया है, और अगर रूस भारत का ये प्रस्ताव मान लेता है तो चीन की समुद्र में विस्तारवादी नीति का अंत हो जाएगा। इसी कड़ी में अब बहुत ही जल्द भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी चर्चा अब शुरू भी हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि ये वार्ता अक्टूबर के आसपास हो सकती है। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस शिखर सम्मेलन में विस्तारवादी चीन को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होगी, जो कि भारत के साथ अपनी सीमाओं और पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह के आसपास यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही थी, ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्र और भारत के साथ अपनी सीमा का विस्तार करने में काफी सक्रिय हो गए, और इसी के चलते लद्दाख में विस्तारवादी नियंत्रण रेखा यानी कि LSA के पास अपनी सेना को हटाने के लिए हाल ही में प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन सैन्य वापसी की इस प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा रखा गया है, और इसी के साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे जैसा कि पहले तय किया गया था, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक का आयोजन होगा। जापान के अलावा भारत आसियान के दूसरे देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, और ये वही देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान हैं। जहां भारत रूस और जापान के साथ मिलकर चीन को इंडो पैसिफिक में घेरने की सोच रहा है, और अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के बीच भी एक बैठक हो सकती है, और ये बैठक भी अक्टूबर में हो सकती है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते मार्च में भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से इस बैठक को टाल दिया गया था। वहीं आपसी सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के अतिरिक्त भारत और फिलीपींस इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिला सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जहाजों की आवाजाही और हवाई मार्ग में कोई बाधा ना पहुंचे। ऐसे में फिलीपींस को एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो ना सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता हो, बल्कि वो चीन की हेकड़ी निकालने में भी सक्षम हो। भारत के अलावा इस पूरे क्षेत्र में ऐसा और कोई भी देश नहीं है। अगर भारत और फिलीपींस दोनों अपनी साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में बदलते हैं, तो भारत को इस देश में अपने सैन्य ठिकाने विकसित करने का मौका भी मिल सकता है। इस प्रकार भारत को चीन पर एक बड़ी रणनीतिक विजय हासिल हो सकती है।